गुड मॉर्निंग, टुडे इज वेनसडे। और मैं फिर से आज कल मैंने सुबह वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं लेट हो गया था। आज लेट नहीं, लेट हो जाऊंगा अगर जल्दी जल्दी नहीं बनाया तो। रेडी हो गया हूँ, अभी बाल बनाने हैं और मेरे लिए लंच की प्रिपरेशन चल रही है। बन रहा है सिंपल रोटी एंड सब्जी। मस्त बालों को भी अजीब सा बनाने के बाद जैकेट भी पहन लिया क्योंकि आज बहुत कड़ी ठंड है। और नाश्ते में है हलवा, तो हलवा खा लेते हैं। मम्मी जी अब सब्जी बना रहे हैं, सब्जी रखेंगे। बैग तो मैंने कल से अभी तक खोला नहीं, तो बैग तो बिल्कुल तैयार रखा हुआ है। बोतल रखनी है बैग में और चलना है फिर। नाउ द टाइम इज 5:15 और इस टाइम पे मैं घर पे आ गया हूँ। वो फोन में बैटरी है 1%। आज घर पे क्या क्या काम काम हो चुका है वो देखेंगे क्योंकि काम बहुत जोर शोरों से चल रहा है साफ सफाई का। और मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो दिख ही रहा है, लेकिन इसमें बैटरी नहीं है तो इसको 1% पे है भाई। ये आज का दिन कैसा रहा इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आज का दिन वैसे तो बढ़िया था, लेकिन मेरे असाइनमेंट्स कुछ ड्यू हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा लोड था मेरे ऊपर। बस में तो भाई मैं बहुत ही गंदी तरीके से सो रहा था। मैंने चेंज किया, टाइम हो गया 6:05 और आज के परिवर्तन कुछ इस प्रकार हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। साफ़ सफाई में ये ग्राफ के पेंचेस भी मिले, ग्राफ कॉपी है मेरी 10th क्लास की। और पुष्पदीप यहाँ पे मैं आया तो मतलब पूरे दिन से वो यहाँ का काम देख रहा है, वर्क संभाल रहा है। और यहाँ पे दादाजी इस पेड़ को कर रहे हैं। कल ये पेड़ खड़ा हुआ था, आज गिर गया है। ये पेड़ भी खड़ा हुआ था, ये भी गिर गया यहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा सामान हट गए हैं और एक ट्रॉली फिर से फुल हो गई कचरे से। मतलब फालतू सामान कचरा ही है फेंकने के लिए। यहाँ पे एक गड्ढे को भी पूरा पूरना पड़ेगा और इन लकड़ियों को हटा, इतनी सारी लकड़ियाँ भी निकली है। इतना ये सामान इधर पड़ा हुआ है वेस्टेज, और कुछ इधर भी पड़ा हुआ है। मतलब आज फिर भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया सब कुछ। यहाँ पे ये कुआं है, यहाँ पे कल जाम के पेड़ थे दो बड़े बड़े, वो भी हट गए यहाँ से, वो भी हटा दिए यहाँ से। ये जो कचरा है इसे भी ट्रॉली में पटकना है और इसे भी, और सारे सामान को व्यवस्थित रूप से रखना है। दादाजी से हटा रहे हैं और साफ़ सफाई करते हुए क्या मिला, ये फ़ोन का बॉक्स, जिस फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसी का बॉक्स है ये। और अभी चाची जी ने इतनी दाल दी है तो चक्की चालू करके इसे भी पीसना है। प्रदीप यहाँ की साफ़ सफाई कर रहा है और वो लकड़ मोटा वाला पेड़ जो कि यहाँ पे लगा हुआ था यहाँ से हटाकर वहाँ पे कर दिया दादाजी ने और मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं चक्की चला देता हूँ, ये काम आके कर लेंगे क्योंकि पहले फिर डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, फ्लैश ऑन करनी पड़ी मुझे। इस काम को दी और ये पूरा भी हो गया, लेकिन यार एक हाथ से उठा पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये स्लिप भी हो रहा है हाथ से। इतने चक्की जलाई, इतने में गैस वॉट, पुष्पदीप ने इधर का सारा काम निपटा दिया, पूरा क्लियर है, ऑल डन आज के लिए। नाउ द टाइम इज 7:20 एंड डिनर की प्रिपरेशन चल रही है और मुझे फिर असाइनमेंट्स लिखने हैं, कुछ याद भी करना है। और जो मैंने बेसन पीसा था उससे ये सब्जी बनी है। रोटी देखकर लग रहा है कि मैंने कॉलेज से आकर कुछ खाया भी नहीं है, तो पहले डिनर कर लेता हूँ उसके बाद बाकी सब चीज देखेंगे। खाना खाते खाते मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने आया क्योंकि पुष्पदीप और सहदीप दोनों जा रहे हैं मार्केट आज, क्योंकि बाजार होता है सब्जी का, तो ये सब्जी खरीद के लाएंगे। जा रहे हैं उस टाइम पे, टाइम हो रहा है 7।
पर आज थोड़े लेट भी हो गए आज, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। कहाँ का मोबाइल चला ओपो। वापस रिटर्न एट डिनर।